दोस्तों ये है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट और यह हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर खत्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात किया जाए तो ये पूरा अमेजॉन जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी यह जंगल इतना बड़ा है कि पूरे यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश फिट आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आप देख रहे हैं अजीत गिरी लाइव फैक्ट्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप अमेजॉन जंगल के ऐसे राज के बारे में जानेंगे जिसे आपने आज तक ना ही देखा होगा और ना ही सुना होगा। दोस्तों धरती का दिल कहे जाने वाला यह जंगल अपने अंदर काफी अनसुने रहस्यों को संजोए बैठा है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ कई इलाकों पर तो आज तक सूरज की रोशनी तक भी नहीं पहुँच पाई है। इस जंगल के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी बहती है। यह नदी काफी खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यह काफी भयानक और डरावनी भी है। इस नदी के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जिसे देखने के बाद अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। दोस्तों धरती पर मौजूद इस जंगल को अब तक का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कितने ही अनसुने रहस्य हैं जो आज भी रिसर्चर्स के लिए सिर का दर्द बने हुए हैं। दोस्तों धरती के उत्पत्ति के बाद से ही ये जंगल अभी तक एक ही तरह से चलता आ रहा है और इस जंगल की धरती को चीर कर यह अमेजॉन नदी इसी तरह से बहती आ रही है। हमेशा से ही यहाँ के जीव इसी तरह से सर्वाइव करते आ रहे हैं। यहाँ के पेड़ पौधे भी हमेशा से ही इसी तरह से उग कर बड़े होते हैं और फिर नष्ट होकर यहाँ के मिट्टी में मिल जाते हैं। धरती पर जीवन के इतने साल बीत जाने के बाद भी अमेजॉन जंगल में होने वाली यह सारी प्रोसेस अभी तक नहीं बदली है। दोस्तों आपको यह जानकर हैरत होगी कि इस वक्त हम जो सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा अमेजॉन जंगल के बदौलत ही मिल रहा है। 40,000 करोड़ दरख्तों वाला ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और हमें एक चीज वापस भी करता है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले हमें प्योर ऑक्सीजन देता है। दोस्तों अमेजॉन फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेजॉन फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है, यानी यह डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद के 7 चक्कर लगाए जाए। इस आलीशान और घने जंगल को अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बारिश ना होती हो। और अभी भी जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है अमेजॉन फॉरेस्ट में बारिश हो रही है। अमेजॉन फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है तो जमीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है, और इसी घनेपन के वजह से दिन के टाइम में भी अमेजॉन जंगल के जमीन पर अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि घने पेड़ पौधे सूरज के रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। बारिश और यहाँ के बेहतर वातावरण के वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीबो गरीब किस्में भी पाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेजॉन जंगल में ही देखी गई हैं। यहाँ पर कुल 40,000 किस्म के पेड़ पौधे, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मेमल्स और 300 अजीबो गरीब रेंगने वाले जानवरों की प्रजाति को देखा गया है। अगर छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेजॉन जंगल में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। यह जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है यह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक है। इसमें ग्रीन एनोकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। यह ग्रीन एनोकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो केवल अमेजॉन जंगल में ही बसता है। 30 फुट लंबा और 250 से 300 किलो वजनी यह सांप जब अपना शिकार करता है तो यह अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी सीधा निगल जाता है। अमेजॉन जंगल में टोटल कितने एनोकोंडा मौजूद हैं ना ये किसी को मालूम है, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इसकी काउंटिंग करने के लिए वहाँ जाए। दोस्तों बायोलॉजी के लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सबने देखा होगा, जिसमें टीचर मेंढक को काट कर उसके अंदर के ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन यह जानकर आपको हैरत होगी कि अमेजॉन जंगल में मेंढक की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों यह मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है।
इस मेंढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर और बाकी की चीजें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। दोस्तों, आमतौर पर घरेलू चींटियां जो चावल के दाने के बराबर होती हैं, वह भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती हैं, तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेजन जंगल में चींटी की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जो बहुत ही खौफनाक है। बुलेट एंड के नाम से पहचानी जाने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये चींटी किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि यह दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है। इसी वजह से इस चींटी को बुलेट एंड नाम दिया गया है। हजारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी बहती है। दोस्तों, इस नदी की टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेजन जंगल में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है, वो इस नदी से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस नदी से हर सेकेंड 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। सिटी स्टार सारामल शेख इजिप्ट में दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। दोस्तों, इस नदी से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में भर सकता है। जितना पानी अमेजन रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया के टॉप 14 रिवर्स के पानी को अगर मिला भी लिया जाए तो भी यह सारी रिवर अमेजन रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। दोस्तों, इस नदी में अजीबोगरीब जीव को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी है ये पिंक डॉल्फिन। दूसरी डॉल्फिन से काफी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन की नेचर काफी फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन ऐसे खतरनाक डॉल्फिन है जो इंसानों के ऊपर भी अटैक कर देती है। वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के पास कई ऐसे सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेजन नदी में मछली की एक ऐसी खतरनाक प्रजाति भी पाई जाती है, जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। दोस्तों, मछलियों के प्रजाति में इलेक्ट्रिक ईल से ज्यादा खतरनाक शायद ही कोई दूसरा जीव होगा, क्योंकि यही वह एक इकलौती मछली है जो अपने शिकारी और शिकार दोनों को मात देने के लिए बिजली का झटका देती है। इसके अंदर इतना जबरदस्त करंट होता है कि यह किसी को भी 860 वोल्ट का झटका दे सकती है। यही कारण है कि कई बार यह अपने से बड़े जीवों को भी मौत के घाट उतार देती है। रेड वायलेट पिराना, दोस्तों यह जंगल में पाई जाने वाली खतरनाक मछलियों में से एक पिराना भी है। यह मछली इतनी खतरनाक होती है कि इस पर कई सारी मूवीज भी बनाई जा चुकी है। यह मछली बदनाम है अपने हमला करने की आक्रामक तरीके के लिए। वैसे तो यह मछली ज्यादातर मरे हुए जीवों को खाकर ही अपना गुजारा करती है, लेकिन कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि यह मछली इंसानों को खाकर उनके हड्डियों को भी चकनाचूर कर दिया है। इनके यह नुकीले दांत मांस को चीर फाड़ देने के लिए ही बने हैं, और इस मछलियों का झुंड तो किसी बड़े जीव से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यही कारण है कि इस मछली का भी इस जंगल में काफी आतंक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से जुड़ी आपकी कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।